सैफ अली खान ने आदिपुरुष विवाद पर तोड़ी चुप्पी, बोले धर्म से दूरी। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल ग्लॉसी बॉलीवुड में नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, ऐसी मोर वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल ग्लॉसी बॉलीवुड में बने रहे। तो चलिए गाइस वीडियो शुरू करते हैं। सुबह से ही इस फिल्म को लोग काफी पसंद कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर भी सैफ अली खान की फिल्म की खूब तारीफ हो रही है। देवरा पार्ट वन के रिलीज होते ही सैफ अली खान को अपनी फिल्म आदिपुरुष याद आ गई। हाल ही में सैफ अली खान ने फिल्म आदिपुरुष को लेकर बड़ा बयान दे दिया है। सैफ अली खान ने दावा किया है कि आदिपुरुष को लेकर हुए हंगामे की वजह से वो काफी परेशान हो गए थे। सैफ अली खान के थ्रू दिए गए एक इंटरव्यू में सैफ अली खान ने कहा, आदिपुरुष को लेकर हुआ विवाद काफी डिस्टर्बिंग था। मुझे नहीं लगा था कि ये मामला इतना तूल पकड़ लेगा। मैंने फिल्म में रावण का किरदार निभाया था। मेरे एक बयान ने हंगामा मचा दिया। तब मुझे समझ आया कि आपको धर्म की बातों से हमेशा दूर रहना चाहिए। फिल्म के मेकर्स को काफी आलोचना का सामना करना पड़ा। कोर्ट ने तो ये तक बोल दिया था कि अगर कोई एक्टर स्क्रीन पर कुछ बोल रहा है तो उसका जिम्मेदार वो खुद होगा। फिल्म आदिपुरुष में फैंस को रावण का लुक पसंद नहीं आया था, जिसके बाद जवाब में सैफ अली खान ने कहा था कि वो फिल्म में रावण का इंसानी रूप दिखाने वाले हैं। ऐसा बयान देते ही लोगों की धार्मिक भावनाएं आहत हो गई, जिसके बाद हिंदू महासभा ने फिल्म आदिपुरुष के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। हिंदू महासभा ने दावा किया था कि सैफ अली खान फिल्म में खिलजी रख रहे हैं। हंगामा बढ़ते देख सैफ अली खान ने अपना बयान तक वापस ले लिया था। उस समय सैफ अली खान सफाई पेश नहीं कर पाए थे। ऐसे में अब सैफ अली खान ने इस बारे में खुलकर बात की है। उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में सारी बातें बताई है। वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल ग्लॉसी बॉलीवुड को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करके बताएं वीडियो कैसी लगी। थैंक यू गाइस।